गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। शिक्षा कृषि सहित 6 विभागों के यहाँ पर एजेंडे रखे गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर मंथन भी हुआ है। थोड़ी देर में मंत्री खाचरियावास ममता भूपेश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें विस्तार से मीटिंग में को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक यहाँ पर आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। शिक्षा कृषि सहित 6 विभागों के यहाँ पर एजेंडे इस मीटिंग में रखे गए। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों पर मंथन भी हुआ है। हालांकि थोड़ी देर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश प्रेस से मुखातिब होंगे और विस्तार से जानकारी देंगे फैसलों पर। और चलिए सीधा रुख करते हैं संवाददाता नरेश शर्मा का। नरेश, बेहद अहम है कैबिनेट मीटिंग, जिसमें अहम एजेंडे रखे गए, चर्चा हुई है, क्या कुछ रहा, क्या जानकारी मिल पाई इस मीटिंग को लेकर? श्रोता, देखिए अभी कैबिनेट की बैठक तो खत्म हो चुकी है, मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है और अभी तक की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 18 मई को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसके जो मिनट्स है वो अप्रूव किए गए। उसके बाद 4 जून को जो सर्कुलेशन के माध्यम से कुछ फैसले लिए थे मंत्रिमंडल ने, उन फैसलों पर आज की जो बैठक है उसमें मोहर लगाई गई, क्योंकि जब सर्कुलेशन से कोई फैसले लिए जाते हैं तो उसके बाद उनको जब भी कभी कैबिनेट बैठती है तो उसमें उसके अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो ये दो कार्रवाई होने के बाद अगर हम बात करें, सबसे पहले कृषि विभाग का एजेंडा था और इसके जो हमें जानकारी मिली उसके अनुसार जो राजस्थान कृषि उपज मंडी है उसमें अध्यादेश में संशोधन किया गया है, इसको लेकर कैबिनेट ने अप्रूवल दी है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा जो एजेंडा था जिसमें जो राजस्थान चिकित्सा और जो स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम है 1965 उसके अंतर्गत जो नेत्र सहायक संवर्ग है उसमें पदोन्नति का क्रम निर्धारित करने के संबंध में जो संशोधन लाया गया था उस पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। वित्त विभाग का एक एजेंडा था, महत्वपूर्ण एजेंडा, जिसमें जो राजस्थान राज्य कर्मचारी जो सामान्य प्रावधानी जो निधि नियम है 2021 उसमें संशोधन प्रस्ताव है, उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। शिक्षा विभाग से जुड़ा एक एजेंडा था जिसमें स्कूल का नाम बदलना था, जो हम कह सकते जो भरतपुर के भुसावर है वहाँ की जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका नाम अब जगन्नाथ पहाड़िया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होगा, कैबिनेट ने इस पर भी अपनी सहमति दे दी है। इसके अलावा जो राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी है आर्केट, उसमें उसको जो संस्थान है उसको अब सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, ये प्रस्ताव था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। और साथ में इस सोसाइटी के जो बायलॉज जो प्रस्तावित किए थे, जो बनाए थे, ड्राफ्ट किए थे, कैबिनेट में लाए गए थे, उनको भी मंजूरी दे दी गई है। तो 5 महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिन पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगा दी है। और इसमें खासकर अगर हम बात करें तो जो चिकित्सा विभाग का जो एजेंडा था उस पर जो मोहर लगी है, इसके कारण से जो पदोन्नति का रास्ता है वो साफ होगा। साथ में जो कर्मचारी सामान्य प्रावधानी निधि जो है 2021 उसके संशोधन में जो मोहर लगी है उससे कर्मचारियों के जो कह सकते हैं हित के बारे में कैबिनेट ने फैसला किया है। उसके बाद जो मंत्रिपरिषद की बैठक चल रही है, इस मंत्रिपरिषद की बैठक में जो चर्चा है वो सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं, विभिन्न योजनाएं हैं, बजट घोषणाएं हैं, इसके अलावा मंत्रियों के जो प्रस्तावित दौरे हैं जो अभी राज्यसभा चुनाव के कारण बाड़ेबंदी कांड नहीं हो पाए थे उनको लेकर उसमें चर्चा है। पीसीसी में जनसुनवाई फिर से प्रभावी तरीके से हो उसको लेकर उसमें चर्चा हो रही है। कुछ मंत्रियों के जो अपने क्षेत्र के जो विभिन्न मुद्दे हैं जो अनौपचारिक रूप से उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने रखे हैं। और इसके अलावा जब आज कैबिनेट की बैठक शुरू हुई थी तब तमाम मंत्रियों ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राज्यसभा में जो जीत मिली है उसके लिए बधाई दी थी और सभी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को शुभकामनाएं भी दी थी। तो अब जो चर्चा हुई है वो इस बात को लेकर भी हुई है कि किस तरह से मंत्री जो है वो अपने प्रभार वाले ज़िले में जाएँ, वहाँ जो है नाइट स्टे करें, जनता की समस्या सुने, उनका निदान करें। और इसके अलावा जो विभिन्न बजट घोषणाएँ की है मुख्यमंत्री ने उनकी क्रियान्विति रिपोर्ट भी तैयार होगी। हालांकि अधिकांश जो बजट घोषणा है उनके लिए जो वित्तीय स्वीकृति है वो मुख्यमंत्री के स्तर पर जारी कर दी गई है, लेकिन जो बड़ी योजनाएं हैं जिनको ज़्यादा समय लगना है
उनकी मॉनिटरिंग भी प्रभावी तरीके से हो, इसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा है। एक जो महत्वपूर्ण बात है, ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो विधायकों की शिकायत थी, कुछ मंत्रियों ने भी इस पर बात रखी थी, तो इसको लेकर इनके जो कामकाज है या जो मंत्रियों के फैसले, विभाग के जो फैसले हैं, उनको पूरी तरह से लागू किया जाए, इसके लिए ब्यूरोक्रेसी का प्रभावी रूप से काम करे, इसके लिए भी मुख्यमंत्री के सामने मंत्रियों ने अपनी बात रखी है और मुख्यमंत्री ने उनका आश्वासन दिया है पूरी तरह से कि जो भी जनता से जुड़े मुद्दे होंगे, जो बातचीत होंगे, वो ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से संपादित करना होगा। अभी कुछ देर बाद ही जो है ये मीटिंग खत्म होने वाली है, अभी जो मीटिंग है वो खत्म नहीं हुई है, कुछ देर बाद जब मीटिंग खत्म होगी तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास है, ममता भूपेश है, वो सचिवालय पहुँचेंगे जहाँ पर पूरी ब्रीफिंग करेंगे, क्या क्या वहाँ चर्चा हुई है, क्या क्या वहाँ पर फैसले हुए हैं, क्योंकि जो 5 प्रमुख फैसले हुए हैं उसकी जानकारी जो एजेंडे के रूप में जो रखे गए थे उनकी जानकारी मैंने आपको दी है, और इसके अलावा जो अनौपचारिक कुछ चर्चाएं हुई है, कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई है, उसके बारे में जब ब्रीफिंग होगी तब उसकी जानकारी भी दी जाएगी। बिल्कुल नरेश, क्योंकि मंत्रिपरिषद की बैठक भी खत्म होने वाली है, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।